ओके सातबार का कौन है नाम? सातबार का कौन है नाम? हमारे मम्मी ना नाम से आलू को ओके आज कितना माणस आवेल पुलिस से आज हमारे गांव की श्रीमती वंशीबेन शंकरबाई किंदरी जो पुलिस स्टेशन सिलवासा में न्याय की गुहार लगाने आई है उसके पीछे हम लोग भी सपोर्टर के तौर पे और गांव के तौर पे हम लोग आए हैं। उनकी समस्या यह है कि उनको 2016 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर उनको ऑर्डर्स मिले थे और उस ऑर्डर के तहत वो वहाँ पे करीबन 20-25 साल से स्थायी है ऐसा बताया जा रहा है और वहाँ पे वो रहती है। उनका वो कब्जा जो है या उसकी जो घर और उसकी ज़मीन है वो माननीय श्री नटवर सिंह कुछ नाम चौहान नाम बताया जा रहा है। उन नाम क्या? पूरा नाम उसका नटवर सिंह नटवर सिंह कैसा बताया कायरा नटवर सिंह नटवर सिंह लक्ष्मण सिंह चौहान ऐसे नाम बताया जा रहा है। वो नरोली का रहने वाला है तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अब ये पूरी ज़मीन मेरे अंडर में आती है या मेरे सर्वे नंबर मेरे नाम के अंडर में आती है ऐसा करके वो पूरा उसका कब्जा लेने की आधा ले लिया है आधा लेने का बाकी है। उसने उसका जो वो ज़मीन तकरीबन 27 या 28 गुंठा ही है उसके ज़्यादा नहीं है। तोड़ने से पहले कोई सरकारी तंत्र ने कोई नोटिस वो तोड़ने के पहले सरकारी तंत्र ने कोई नोटिस नहीं दिया कोई कुछ नहीं दिया। शायद कोई सर्वे डिपार्टमेंट आई थी वो सर्वे डिपार्टमेंट ने वो वहाँ पे स्थल पे क्या किया वो हम लोग को भी आइडिया नहीं है। उसके अलावा कोई नोटिस वगैरह थी नहीं लेकिन उसने तोड़ने की प्रक्रिया से पहले उन्होंने उसका फेंसिंग किया हुआ है। जब फेंसिंग किया तब वो वंशीबाई ने माननीय कलेक्टर श्री को आवेदन दिया हुआ है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय होने जा रहा है आप कृपया सूझबूझ लीजिए। और उसके बाद श्री वंशीबेन माननीय कलेक्टर श्री को जाके मिली थी तो कलेक्टर श्री ने तुरंत ही उसी क्षण श्री मामलदार जी को टेलीफोनिक बात करके कार्यवाही शुरू कर दी थी और माननीय मामलदार श्री ने पटेल तलाटी जी को भी उस स्थल पर लोकेशन पर भेजा था। श्री शशांक नरोली पटेल तलाटी वो वहाँ पे उपस्थित हुए थे उसकी पूरी कार्यवाही चल ही रही थी उसी बीच में माननीय नटवर सिंह ने उस ज़मीन को तोड़ना और उसका घर को तोड़ना और 2 GCB लेके और 20 लोगों को साथ में लेके कुछ लोग तो हाथ में धारदार हथियार भी लिए हुए दिख रहे थे वीडियो के अंदर तो वो लेके उसको तहस नहस करना चालू कर दिया था और वो वीडियो में सुना जा रहा है उधर बच्चों की किलकारी वगैरह सुनाई दे रही थी और सब रो रहे थे तो उस हिसाब से वो सोशल मीडिया में ये गांव आज हमें आ भाई ना तकलीफ ना लीधे सेलवास पुलिस स्टेशन में आया था जहाँ SDPO श्री ने मैडा एमना आश्वासन था कि त्या जे पण सेठ जी द्वारा आक्रमण कार्य चाली रू है तो तरत ज बंद कर देवामां आवशे अने बाईनू जेवी रीते पहलेथी जे खेत चालतु आवेलू अने जेवी रीते स्थापित हता एवी रीते स्थापित रहेशे ज्यां सुधी माननीय कलेक्टर श्री अने सर्वे अने पोलीस डिपार्टमेंटने इन्क्वायरी पूरी नहीं थई जाय त्यां सुधी ए लोकोने कोई डिस्टर्ब नहीं करशे एवा आश्वासन मळेल छे जेथी करीने अमे जे पण एना साथे आवेला ए बधा घरे जवाना निर्णय लीधेला। सरकार श्री द्वारा संपूर्ण सहाय करवामां आवशे एवी अमने खातरी छे। कदाच कोई खामी रही जाए तो अमे आगळ जे पण अधिकारीओ छे एमनी जोड़े विनंती में रहीशुं अने अहींना अधिकारी कदाच कचास वर्ते तो अमारा जे पण सेवको छे जे गामना समाजना सेवको छे एमने विनंती करशुं कि अमने कोर्ट सुधीनी पण न्याय अपावा माटे तैयारी करे अने अमारो समाज अमने आ बाईने टेको करशे। आ बाई विकलांग छे एमने एक पग नथी एक बहु गरीब छे एक झोपड़ामां रहे छे એટલે અમારો સમાજ તૈયારી કરશે હાઈકોર્ટ જોવા માટેની હાઈકોર્ટ જશે।